नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। जैसे उन्होंने ईदी मिलाद का प्रवीण द्वारा राज्य कमेटी और सभी ईदी मिलाद कमेटी के द्वारा इन लोगों ने जो व्यवस्था में भाग रूप रहे दोनों त्यौहार शांति से और एकता के साथ मनाया जाए ऐसी भावना के साथ जो ये कार्यक्रम किया गया है, तो उसके लिए खूब मैं शुभेच्छा और मनोकामना करता हूँ और ईदी मिलाद के इस कार्यक्रम के लिए भी खूब बधाई और शुभेच्छा देता हूँ। जुलूस को कुछ आगे ले जा करके खड़ा रखेंगे। नारे लासन, आका की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, नारे लासन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुलूस को खड़ा रखा जाए, उसमें एक दूसरे तक जोड़ दिए जाएंगे। ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी सभी दावत इस्लाम के हमारे साथी भाइयों का स्वागत करती है। नारे तकबीर, ये जुलूस के पीछे ही ट्रकों का जुलूस जोड़ा जाएगा। इसके लिए आगे लेकर के 5 मिनट खड़ा रखें। ट्रकों का जुलूस इस जुलूस के साथ ही पीछे जोड़ा जाएगा। आपका नाम और रोजा बताइए। परवेज जेवी मोमिन, चेयरमैन ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी अहमदाबाद। आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे? आज का जो प्रोग्राम था 28 सितम्बर 2023 12 रबी उल अव्वल का दिन, हमारे हुजूर की आमद का दिन था, जो पूरे दुनिया के अंदर बहुत ही शान और शौकत से मनाया जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे गुजरात अहमदाबाद में, जो कौमी एकता का प्रतीक कहलाता है, ऐसी जगह पे ये प्रोग्राम मनाया जाता है। यहाँ पे नज़दीक में ही जगन्नाथ मंदिर परिसर है, और साथ ही में यहाँ पर जो स्टेज बनता है वो सालों से एक परम्परा रही है कि 12 रबी अव्वल के दिन ये जुलूस निकलता है। ये दिन गणेश विसर्जन का भी दिन है और दोनों त्यौहार एक साथ में आए, और हम ये चाहते थे कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है
वो आम होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जानी चाहिए। और इसी तरीके से हम लोगों ने हिंदू भाइयों के साथ में मिलकर सेम डे ये त्यौहार मनाया और एक एकता और कौमी एकता और शांति का पैगाम हमने आम किया है। आपका नाम और बता बताइए। मैं सूफी अनवर हुसैन अहमदाबाद से। आज का जो दिन है विलादत, नूर की विलादत का दिन है। नूर अला नूर सूरे नूर, नूर ऐन नूर, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का, नूर वालों का दिन है। और नूर वालों का दिन हमने आज मनाया है। आज ये ईद मिलादुन्नबी के मौके के ऊपर गंगा जमुनी तहजीब के साथ महाराज जो दिलीप दास जी महाराज है यहाँ के जगन्नाथ मंदिर के, उनकी मौजूदगी में आज जुलूस का हमने यहाँ पे इस्तकबाल किया और जुलूस को हमने प्रस्थान कराया। हरी झंडी फहरा कर आज ये जुलूस का हमने यहाँ पे फहराया और जुलूस का हमने उद्घाटन किया। ये जुलूस सदियों की परंपरा के मुताबिक ये सदियों से चला आ रहा है। और हम लोग, हम है या नहीं है, हमारे पहले भी लोगों ने इस जुलूस को निकाला है और आने वाले वक्त में जब हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये जुलूस निकलता रहेगा। क्योंकि ये जुलूस हमारा खुद का जुलूस नहीं है, ना कोई सियासी जुलूस है, ना कोई राजकीय जुलूस है, नबी की आमद का जुलूस है। और हम ये जुलूस को पूरे आलम के लोग विलादत के दिन ही मनाते आए हैं और विलादत के दिन इंशाल्लाह मनाएंगे। आपका नाम और बता बताइए। दीपक जोशी, गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मेरी प्रदेश में जवाबदारी है लीगल सेल में। आज के इसके मिलादुन्नबी के त्यौहार के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो सब मैं मुस्लिम भाइयों और सबको ईद मुबारक बोल रहा हूँ। ये जो त्यौहार जो होते हैं उसका जो उत्सव जो मनाया जाता है उसका पर्पस एक ही होता है कि इसमें कोई नाच जात सब कुछ साइड में रख के एक साथ सब मंच पे आ जाते हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हो, बड़े भी हो, महिलाएं हो, सभी को एक साथ में जुट कर के एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से ये त्यौहार का जो आनंद आता है वो वैसे बहुत सारा हो जाता है। तो यही एक भावना होती है कि त्यौहार सबको साथ में लेके उत्सव सबको मनाना चाहिए। और ये जो जुलूस वाला जो है, ताजिया जो निकलता है, वो मैं मानता हूँ कि एक सद्भावना की जो बातचीत होती है, सबको एकता, सबको एक साथ लेने की, सबको एक साथ साथ लेके चलने की जो बात आती है वो एक महत्वपूर्ण रहती है। तो फिर से मैं सबको एक बधाई देता हूँ आज के दिन पे, ईद मुबारक सबको बोलता हूँ। आज गणेश चतुर्थी और दोनों के त्यौहार साथ में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं वही बोलता हूँ कि जो त्यौहार आते हैं उसमें कोई नात जात कुछ भी देखा नहीं जाता है। क्योंकि हमने बहुत पहले भी देखा हुआ है कि जब रथ यात्रा होती है तो रथ का जो महत्वपूर्ण होता है जो भाग, वो सब मुस्लिम भाइयों बनाते हैं। और ये जो रथ यात्रा चलती है पूरे शहर में चलती है। वैसे आज भी एक ऐसा दिन है कि गणेश चतुर्थी भी है, सब लोग, सब जाति के सब लोग ये लोग मनाएंगे। तो आपने बॉम्बे में भी देखा होगा कि सब मुस्लिम सेक्टर्स जो हैं वो भी गणपति घर पे लाते हैं। तो वैसे हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव जो है वो ये त्यौहार जो दीवार जो होती है वो निकल जाती है। तो एक बड़ी बात है कि त्यौहार हम सबको साथ में मिलके
सबको मनाना चाहिए और सब मना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं नूर भाई शेख, ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी अहमदाबाद का जनरल सेक्रेटरी। आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। आज का इसका जो प्रोग्राम यहाँ जो कामयाबी के साथ ऐतिहासिक रूट जो जमालपुर दरवाजे से शुरू किया गया, जो बरसों से ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस जो अहमदाबाद शहर का हर समान जमालपुर दरवाजे से जो बरसों से ये जुलूस निकाला जाता है, इस जुलूस को हम चाहते थे कि आज ही के दिन कामयाबी के साथ निकाला जाए, उसी रूट पे निकाला जाए। इसलिए हमने पुलिस कमिश्नर आदरणीय श्री जीएस मलिक साहब, अजय चौधरी साहब, नीरज बड़गुजर साहब से भी हमने दरख्वास्त की कि सर आज ही का दिन ईद मिलादुन्नबी का दिन है और आज ही के दिन उसी ऐतिहासिक रूट पर निकलना चाहिए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री जीएस मलिक साहब, कमिश्नर श्री क्राइम नीरज बड़गुजर साहब, अजय कुमार चौधरी साहब और मेयर श्री आदरणीय प्रतिभाबेन जैन और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी साहब, जिन्होंने आज की इस प्रोग्राम के लिए सगवड़ताएँ सब पूरी पारी, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के इस मौके पर आदरणीय श्री दिलीप दास जी महाराज और सूफी अनवर हुसैन साहब यहाँ पर मौजूद रहे, साथ ही में बीजेपी लीगल सेल के आदरणीय श्री दीपक भाई जोशी साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे। सभी का ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी विस्तार के जोन 3 के एसीपी श्री विशाखा मैडम, दिनेश चौधरी साहब एसीपी, भाटी साहब, मनोज साहब, सभी का ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी तरफ से मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आज कामयाबी के साथ ये ऐतिहासिक जमालपुर से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस कामयाबी से पसार हुआ। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। Yeah, I'm gonna be
नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी ऐसा न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।